Yes. What is the first bail application under section 439? Offenses under section 392. Yes. A chain was looted from the complainant by mallard and the same was seized from co-accused Mohsin Mallard. उससे सीजर भी नहीं है इसमें टेस्ट चैन स्नैचिंग चैन लूटिंग का ये मामला है। इस मामले में 439 सीआरपीसी के तहत ये बेल लेने पहुंचे हैं हाई कोर्ट। अब इस मामले में जब आप सुनेंगे तो ये पता चलेगा कि इसमें पहचान नहीं हुई। पहचान इसलिए नहीं हो पाई कि जिन्होंने ये शिकायत दर्ज करी थी उन्होंने खुद ये कहा, वो हाजिर ही नहीं हुई और उन्होंने ये कहा कि कोरोना का टाइम था, अंधेरा था और हम देख नहीं पाए। तो इसमें किसी तरह का आइडेंटिफिकेशन परेड ये सब कुछ नहीं हो पाया, तो इस वजह से इनको एक साल रहने के बाद परेड भी नहीं हुआ है। एंड मैनर्ड आई एम ओनली इम्प्लीकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 27 मेमो। आई एम इन जेल सिंस 2/7/2021। Yes, Mr. Singh. Mallard, the incident was took place on Mallard. May I read the FIR, Mallard? 5/4/2021 की घटना है। Yes. मैं उपरोक्त पते पर रहती हूँ, गृह कार्य करती हूँ। आज मैं मेरी सास कमला राय के साथ अपने इलाज के लिए डॉक्टर योगिता दीक्षित के क्लिनिक कनाड़िया रोड पे गए थे, जहाँ पर डॉक्टर साहब को बताकर वापस पैदल पैदल अपने घर आ रहे थे कि जैसे ही हम बंगाली चौराहे ब्रिज के नीचे पहुँचे कि सामने से अज्ञात काले रंग की एक्टिवा गाड़ी पर दो सवार व्यक्ति आए और मेरे गले से एक सोने की चेन पुरानी इस्तेमाली छीनकर एक्टिवा गाड़ी से दोनों खजराना चौराहे की तरफ भाग गए। फिर मैंने मेरी सास कमला राय वो आने जाने वालों को घटना बताई। बाद में मैं अपने देवर सोयंसो के को घटना बताकर मेरी सास कमला राय वो देवर को के साथ रिपोर्ट करने आई हूँ। माय लॉर्ड दी पुलिस अरेस्टेड दी प्रेजेंट अक्यूज्ड इन सम अदर क्राइम माय लॉर्ड एंड इन विच दे हैव एडमिटेड दैट दे हैव ऑल्सो कमिटेड दिस ऑफेंस माय लॉर्ड। दी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन लेटर वॉज इशूड टू दी कंप्लेनेंट माय लॉर्ड इन विच शी हैज स्टेटेड कि अंधेरा होने की वजह से और चूंकि कोरोना का समय था तो जो आरोपीगण थे उन्होंने मास्क लगा रखा था, तो उस पत्र पे ही उसने ये सूचित किया कि मैं चूंकि ऐसी परिस्थिति थी तो मैं इनको वैसे भी पहचान नहीं पाऊंगी, पर जो लूटेड आइटम है उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ है और उस पर उसने जो सोने की चेन है उसको पहचाना है। प्रेजेंट एप्लीकेंट है, इसके खिलाफ 3 सिमिलर नेचर के ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है माय लॉर्ड। 2 पलासिया थाने के हैं और 1 चंदन नगर का है। ये चेन स्नेचिंग का 392 के ही और 379 का है जो चंदन नगर का है। तो माय लॉर्ड ही हैज ऑलरेडी कमिटेड द सेवरल काइंड ऑफ ऑफेंसेस माय लॉर्ड एंड ही हैज अरेस्टेड इन अदर कनेक्टेड क्राइम इन विच ही एडमिटेड द क्राइम कमिटेड इन द प्रेजेंट। माय लॉर्ड जो 2 ऑफेंस 392 पे एक साथ बनाए थे दोनों में सिमिलर यही एलिगेशन था। मैं 27 मेमो से इंप्लिकेट हुआ था, सीजर मुझसे नहीं थी एंड दैट क्राइम नंबर आई हैव बीन ग्रांटेड बेल बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड वो 379 चंदन नगर से और वो 392 के दोनों एक साथ एक साल से हैं जेल में। मान लिखिए श्री तहजीब खान लर्निंग काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट श्री रंजीत सेन गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर द रिस्पॉन्डेंट स्टेट। दिस इज फर्स्ट बेल एप्लीकेशन विद लिटिगेट। द एलिगेशन अगेंस्ट द एप्लीकेंट इज दैट अलोंग विद द को अक्यूज्ड मोहसिन he has snatched the gold chain of the complainant Felista. Counsel for the applicant submits that the applicant is in jail since 2/7/2021. The charge sheet has been filed as the investigation has been completed. No further custodial interrogation is required. Full stop. It is further submitted that the alleged stolen chain was recovered from co-accused Mohsin and not from the applicant. Full stop. The applicant has been made accused on the basis of memorandum
under section 27 of the Indian Evidence Act. Counsel for the state opposes the prayer for grant of bail on the ground that the applicant has criminal history, as two other cases of same nature are registered against him. Full stop. Considering the after hearing learned counsel for the parties and taking into consideration that the applicant is in jail since 2/7/2021, the investigation has been completed, the charge sheet has been filed. Further, the chain was not recovered from the present applicant. I am of the view that the applicant is entitled for grant of bail on the condition that the applicant shall mark his presence on every 15th of the month before the concerned police station 50,000. Okay.